जा, हर बॉक्स की जो विड्थ है वो है 1 मीटर, हर एज की, हाँ हर एज की, ये और ये, समझ के आ गई हो? देखो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चलो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 4। डिस्टेंस कितनी है, तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2i कैप। ऐसे ही इस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, तो डिस्टेंस क्या है, 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2j। ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये दोनों, बाकी बात इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ही जा रही होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2√2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2i कैप + 2j कैप। क्या लॉजिक समझ में आ गया, पक्का? अब मेरे को ये बता सकते हो कि पोटेंशियल एट आई कितना होगा, पोटेंशियल एट आई पोटेंशियल एट आई 2 वोल्ट आएगा, आया ना, 2, 10, 8, 6, 4 और 2। एच और एफ का भी पोटेंशियल बता सकते थे, अब ये पता चल गया ना, ये देखो इस डायरेक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस ये वाली डिवाइडेड बाय, तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो नेट फील्ड इधर हो तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा ना, हाँ या ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो तो ये दोनों तो सेम ही पोटेंशियल पे, तो डिफरेंस ही 0 आ गया, तो इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 या नहीं थी, हाँ या ना, क्योंकि नेट फील्ड इधर है। नहीं आई बात समझे, नहीं आई बात समझे, आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऐसे दिया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है 2, 2, 3 पे, ये क्या प्रश्न है, ये क्या प्रश्न है, ये क्या